दोस्तों, क्या आप भी इस तरीके के रेंडर निकालना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि ऐसे रेंडर किस तरीके से निकलते हैं? जैसे आप देख पा रहे हो, कंप्लीट व्हाइट में है, तो इसे बोलते हैं ऑक्लूजन इफेक्ट। वो इफेक्ट आप अपने भी रेंडर में लेके आ सकते हैं, बट कैसे, वही आज वीडियो को टॉपिक, तो इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ये करना सीखेंगे कि आप इस तरीके के रेंडर को किस तरीके से निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसपे आपको 3ds Max, V-Ray, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ या फिर इन सब से 3D सॉफ्टवेयर और ग्राफिक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहती है टाइमली। और आप रिसेंट वीडियोस भी मेरी चेक कर सकते हैं, लाइव प्रोजेक्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपने मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो एंड्रॉयड ऐप है दीपक वर्मा के नाम से, जो आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसपे आपको कंप्लीट जितने भी कोर्सेज हैं वो देखने को मिलेंगे। और माई इंस्टीट्यूट नाम से अगर आप आईफोन यूजर है तो वो इंस्टॉल करो और मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड ODIM आप यूज कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद आप कोर्सेज देख सकते हो, जो हमारे अपकमिंग कोर्सेज हैं वो है रेविट आर्किटेक्चर प्लस ऑटोकैड, जो 2nd of मार्च से स्टार्ट होगा। 4999 है उसका प्राइस। उसके बाद है इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग बैच 6, जो 6th of मार्च से स्टार्ट होने वाला है। और एक है ऑटोकैड 3ds Max V-Ray, जो 2nd of मार्च से स्टार्ट होने वाला है। इनकी डिटेल्स आप कंप्लीट मेरी ऐप पे जाके चेक कर सकते हो। और अभी ऑफर चल रहे हैं शिवरात्रि के, कल तक आपका ऑफर है, अप टू 90% ऑफ तक आप इसके ऊपर पा सकते हो अगर आप इसको चेकआउट करते हैं तो। अगर आप जाते हो यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे, तो वहां पे भी आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। वन विंडो सॉल्यूशन है, वहां पे सारे मिल जाएंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं या फिर जो भी चीजें हैं वो आप वहां से मेरी साइट से जाके भी देख सकते हैं, और इस तरीके से और कोर्सेज वगैरह आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये सब चीजें आप करोगे और आप और भी आप अच्छे से इस चीज को सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप का इफेक्ट किस तरीके से हम लेके आ सकते हैं इन 3ds Max, इसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या है, अगर हम नॉर्मल अभी रेंडर करते हैं, मान लो आप यहाँ पे नॉर्मल कोई रेंडर कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो रेंडर होगा वो बिल्कुल आपका नॉर्मल होगा, जो आपका यहाँ पे व्यू पोर्ट है वो आपका यहाँ पे रेंडर हो जाएगा नॉर्मल। यही रेंडर आप आज तक करते आए हो। ये जो आप देख पा रहे हो, इसके बारे में मैं कल आपको वीडियो बना के बताने वाला हूं कि इस तरीके से आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं दो रेंडर को। तो ये आपका नॉर्मल रेंडर यहाँ पे हो जाएगा, और जैसे ही रेंडर होगा तो आप इसको यहाँ पे हिस्ट्री में डाल सकते हो। कैसे डालते हैं अगर आप सीखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना पाऊं, ठीक है। तो आप जैसे ही रेंडर करोगे, इस तरीके का रेंडर होगा। इस तरीके के रेंडर को पाने के लिए आपको छोटी छोटी 2 से 3 सेटिंग्स करनी है। कैसे, बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको अभी स्टॉप करता हूं, इसको यहां से मैं डिलीट करता हूं, मेरे पास ये है, एनएफ है, इसको मैं शो कर लेता हूं इस पे, ठीक है। करना क्या है आपको, कोई मटेरियल नहीं छेड़ना इस पे, किसी चीज को कोई मटेरियल अप्लाई नहीं करना। आपको जाना है डायरेक्टली यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल पे। मटेरियल पे जाने के बाद एक मटेरियल स्लॉट लो और उसको फिजिकल मटेरियल से हटा के वीरे लाइट मटेरियल कर दो, ठीक है। वीरे लाइट मटेरियल पे जाके जैसे आप इसे डबल क्लिक करोगे तो आप देखो वीरे लाइट मटेरियल आ गया। नो मैप पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको लेना है वीरे डर्ट। वीरे डर्ट पे क्लिक करो एंड ओके करो तो आपका वीरे डर्ट आ जाएगा। वीरे डर्ट बेसिकली क्या करेगा, वीरे डर्ट का काम है कि जैसे अभी आपको जो दिख रहा है यहाँ पे क्लियर सरफेस दिख रहा है, जैसे ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो रहा है या बीच में कोई पार्टीशन है, जो भी जहां से भी चीजें अलग हो रही हैं, वहां पे एक डर्ट का इफेक्ट आएगा ताकि वो आपको अलग दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो देखो ये जो लाइंस बनी हुई हैं ये डर्ट की वजह से आई है। जैसे ही आपकी चीजें अलग होगी तो वो डर्ट का इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज के लिए हम डर्ट डालते हैं। अब डर्ट डालनी कितनी है, जैसे रेडियस है, अब ये आपके ऊपर है। मान लो मैं स्टार्ट करता हूं यहां से 800 mm से, ठीक है, 800 mm मैंने यहाँ पे डर्ट डाली, ठीक है। अगर आप देखोगे 800 mm के बाद तो देखो यहाँ पे डर्ट काफी आ गई। जैसे ही वो चीजें आपकी अलग होंगी वहीं पे डर्ट वाला इफेक्ट आ जाएगा, जिससे आपकी चीजें अलग अलग दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर रेंडर करने के बाद आपको लगे कि ज्यादा है थोड़ा सा कम कर दो, कम लगे तो थोड़ा ज्यादा कर दो, क्लियर। इसको करना है, बाकी मैं कुछ भी नहीं छेड़ रहा हूं यहां से, फॉल ऑफ भी डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं क्या करूंगा, इतना काम करने के बाद आपको जाना है रेंडर सेटअप पे।
रेंडर सेटअप पे जाने के बाद जैसे आपका रेंडर सेटअप ओपन होगा तो वहां पे भी आपको दो सेटिंग करनी है क्या, सिंपली वीरे पे जाओ, ग्लोबल स्विचेस पे जाके, नहीं ग्लोबल स्विचेस, हाँ ग्लोबल स्विचेस पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ओवरराइड मटेरियल, इसको ऑन कर दो और जो ये वाला मटेरियल आपने बनाया था इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पे। तो आप देखोगे अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो यहाँ पे तो इंस्टेंस कर दो ओके, तो यहाँ पे वो वाला मटेरियल आ जाएगा जो आपने बनाया है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, जीआई पे जाके डिफॉल्ट को एडवांस कर दो और यहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूजन मिलेगा, आप इसे ऑन कर दो, बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना। अब अगर आप यहाँ पे रेंडर करोगे, जैसे ये है, आप अगर मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ, आप इंटरेक्टिव करो या फिर आप यहाँ पे करो नॉर्मल रेंडर, तो आप देखोगे आपका वो वाला इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप अपने इफेक्ट को लेके आ सकते हो, ये आपका रेंडर होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अगर आपको लगे कि रोशनी थोड़ी कम है तो उसके लिए आप दोबारा से यहाँ पे जाओ और जो आपने ये मटेरियल बनाया था इसको बैक पे जाके इंटेंसिटी यहाँ से 1 से मैंने 5 कर दी, तो अब आप देखोगे जो आपका यहाँ पे क्लियरिटी है वो भी आ गई और यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी बिल्कुल अच्छे से रेंडर आ गया। क्लियरिटी और चाहिए तो डीनोइजर लगा सकते हो, उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहां से अगर ऑप्शन पे मैं दोबारा से जाऊं तो अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं इसका दिखाता हूं। 800 mm की जगह मैंने 200 mm कर दिया, ठीक है। अब अगर रेंडर होगा तो आप देखो जो आपकी लाइंस है वो थोड़ी कम हो गई, अगर मान लो मैंने 50 mm कर दिया तो अब आप देखोगे लाइन और कम दिखनी स्टार्ट हो गई, ये डर्ट इफेक्ट कम हो गया, तो प्लेन सरफेस आपको दिखाई देगा। अब अगर मान लो मैंने 1200 कर दिया यहाँ पे तो आप देखो जो आपकी लाइंस है वो और डार्क हो जाएंगी, वो आपके ऊपर है कि आप इसको कितना रखते हो और कितने में आपको ये चीजें अच्छे से दिखाते हैं। एक है फालो, फालो एक्चुअल में क्या करता है कि जब ये देखो अभी तो जो आपके यहाँ पे कलर आया है ब्लैक कलर जो डर्ट का आया है वो इक्वल है दोनों साइड, बट अगर आप फालो ऑफ डाल दोगे इसके अंदर तो उस थोड़ा सा शेडेड में आएगा, फाल करके आएगा, मतलब पहले डार्क फिर हल्का सा ग्रे 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 इस तरीके से आएगा। ऊपर देख सकते हो आप इसकी शेड कि बिल्कुल कॉर्नर पे तो डार्क है फिर हल्की सी ग्रेश की शेड है, तो ऐसे आप फॉल ऑफ डाल सकते हो, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखो दोनों में अगर मैं डिफरेंस दिखाऊं, अब डिफरेंस दिखाने के लिए देखो मैं क्या करता हूं, मान लो मैंने 0 फॉल ऑफ के साथ किया और इस रेंडर को मैं स्टॉप करता हूं तो ये रेंडर मेरा यहाँ पे सेव हो गया, और अब मैं करता हूं यहां से फॉल ऑफ 5 पे, 5 के साथ अगर मैं इसको रेंडर करता हूं तो अब देखो यहाँ पे आपका इफेक्ट दूसरा आएगा, और इस रेंडर को भी मैं सेव करके फिर कंपेयर करके देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। अब फॉल ऑफ किया और यहाँ पे कर दिया, कंपेयर करते हैं ए टू बी, ये मैंने ए रखा ये बी रखा, अब देखो अब दिख रहा है ना इफेक्ट, यहाँ पे तो चीजें आपकी डार्क हो गई और यहाँ पे फॉल ऑफ लगाया तो आपकी यहाँ पे इस तरीके से ब्राइट इफेक्ट आ गया। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फॉल ऑफ लगाना है नहीं लगाना है, नहीं लगाओगे तो मेरे को ज्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे फॉल ऑफ को कर देता हूँ 0, ठीक है। और भी सारे ऑप्शन हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, बट अभी के लिए इनको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अपने प्लान को इस तरीके से दिखाने के लिए यही चीज का यूज करोगे, सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ करने की भी आपको नीड नहीं पड़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आप चाहिए कि इस पे ए टू बी कैसे कंपेयर करते हैं इस पे भी वीडियो बनाऊं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ, तब तक के लिए बने रहे, थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम।